कृष्णा बंसी ध्वनि की, ये बंसी ध्वनि भूर भुवा मोह जन तप सत्यलोक को पार करते हुए कैलाश लोक में भी गया। कैलाश में श्री शंकर जी रहते हैं। अभी शंकर जी के मन में भी इच्छा हुई, मैं भी प्रभु का रास दर्शन करने के लिए मैं भी जाऊं। फिर बात मत करो, कथा सुनो, ये माता जी के सर पर ढाल दो पूरा। हरे कृष्ण। इसलिए अभी शंकर जी की इच्छा भी हुई, मैं भी रास दर्शन करने जाऊं। लेकिन शंकर जब आए, लेकिन ये जो वृंदावन धाम है ये जोग माया के द्वारा रखित है, बगैर जोग माया के कोई भी प्रवेश नहीं कर सके। अभी उनने जोग माया की शरण में गए, रास दर्शन करना चाहता हूँ। बोले देखो शंकर जी, यहाँ पर तो कृष्ण अकेले पुरुष सबके सब गोपियाँ हैं, यहाँ पर गोपी शरीर के बगैर कोई प्रवेश नहीं कर सकते हैं। बोले बताओ क्या करना पड़ेगा। बोले कुंड में स्नान करो। जब उन्होंने इसी कुंड में स्नान की, शंकर जी बड़ी सुंदर एक गोपी मूर्ति धारण की, अभी उनको ईशान कोने में बैठा दिया। बोले यहीं से दर्शन करो। कृष्ण जब रास कर रहे थे, कृष्ण तो भगवान सब जानते हैं, बोले आज रासों में कहीं आनंद नहीं आ रही, लगता है रासों में कोई अनधिकारी व्यक्ति है। तब गोपियों ने ढूंढने लगे, ढूंढते ढूंढते देखा एक ईशान कोने में कोई एक नई गोपी बैठी हुई। तब गोपियों ने पूछा, भैया तेरे सास का नाम क्या है, तेरे ससुर का नाम क्या है, तेरे जेठ का नाम क्या, तेरे खसम का नाम क्या है। तब उन्होंने पूछे क्यों ऐसे क्यों पूछे। बोले कारण है, ये चीज को समझो, जब हम साधन भजन करेंगे, अच्छी तरह से समझो, जब हम साधन भजन करेंगे, कहते हर जीव में एक भाव विद्यमान, किसके अंदर में सख्य, नहीं तो किस में बात्सल्य, कहीं न किसने मधुर, कोई रस से एक रस है। लेकिन इस साधन भजन करते करते कहते ना, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादवाग्नि निर्वापनम, हरि नाम करते करते हमारी चित्तोरूपी जो दर्पण घिस घिस करके साफ हो रहा है, साफ होते होते जीव का एक जो स्वरूप है, एक दिन वो स्वरूप में प्रकाशित होता है। होने पर अभी जिस जिस रस में, अगर जिसको गोपियों की भाव जिनके हृदय में हो हैं, कहते उनके हृदय में गोपी भाव प्रकट होगा, जिसको कहते स्वरूप सिद्धि। क्या कहते हैं? स्वरूप सिद्धि। स्वरूप सिद्धि मतलब इसकी असली स्वरूप हरिनाम करते करते ये असली स्वरूप प्रकट होता है। जब प्रकट होता है तभी कृष्ण दर्शन नहीं हो जाता है। फिर इसी जोग माया ने कृष्ण कहीं ना कहीं किसी ब्रह्मांड में कहीं रास कर रहे हैं, कहीं मक्खन चोरी कर रहे हैं, कहीं कंस कहीं ना कहीं कर रहे हैं, क्योंकि अनंत करोड़ ब्रह्मांड है, जैसे अलात चक्रवर्त हर समय लीला प्रभु की चलते रहती हैं। अभी कृष्ण जिस ब्रह्मांड में कृष्ण जन्म हुए, जोग माया उसको उसी ब्रह्मांड में, अगर गोपी भाव हो तो गोपी रूप में उनको वृषभानुपुर मतलब बरसाना में गोपी भाव से उनको जन्म ग्रहण करता है गोपी रूप में। जब किसी ब्रज में किसी गांव में जन्म ग्रहण करता है, जो नित्य सिद्ध सखी मतलब जैसे ललिता विशाखा चंपकलता इस सब के सब रागात्मिका भक्ति भक्त जो नित्य सिद्ध परिकर। लेकिन एक होता है साधन सिद्ध। साधन सिद्ध मतलब क्या? जो साधन करते करते सिद्ध अवस्थाएं पहुंचते हैं। कुछ तो नित्य सिद्ध है जो साधन नहीं, जो राधा रानी की कायव्य हो प्रकाश है, जो कृष्ण की प्रकाश सखा और सखियां उनकी अनुगत्य में धीरे 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 वो लोग जैसे कृष्ण को प्रेम करते हैं, जैसे कि छोटा बच्चा जब जन्म लेता है, पिता माता में कैसे व्यवहार, मैया पिताजी से कैसे व्यवहार, पिता माताजी से कैसे, भाई बहन से, भाई बहन भाई से, चाचा चाची से, ये सब देख देख कर सीख जाता है। इसलिए जब वहाँ ब्रज में जन्म लेता है कोई गोपी रूप में, जो नित्य सिद्ध परिकर जो गोपियाँ रागात्मिका जो सखियाँ हैं उनको संग प्राप्त होता है। संग से वो धीरे धीरे कृष्ण को वो कैसे प्रेम करते सीखते हैं, सीख करके फिर उनका सिद्धा जब पूर्ण सिद्धि हो जाती है जिसको कहते वस्तु सिद्धि। वस्तु सिद्धि मतलब जब भगवान कृष्ण को प्रकट ब्रज में जन्म होकर कृष्ण जब फिर ये जगत छोड़ करके अपना गोलोक वृंदावन में जाते हैं, फिर वो सबके सब ठाकुर के साथ में चले गए, फिर हमें इस संसार में और आना नहीं पड़ेगा। चिरकाल के लिए राधा रानी की दासी पद को प्राप्त करते हुए कृष्ण की सेवा में हम जुगल सेवा में लग जाएंगे। इसलिए जरूर कहीं ना कहीं ये ब्रज में किसी गांव में जन्म लेना पड़ेगा, उसको कोई सास होगी, कोई ससुर, कोई पति होगा। इसलिए गोपियों ने पूछा, बताओ तुम कौन हो, कौन से? लेकिन वो तो सखी नहीं, वो तो सखा है, वो तो शंकर जी है, वो तो कोई ब्रज में कोई जन्म नहीं हुए। शंकर तो चुप, कुछ बोल नहीं पाए। बोली यही दुष्ट बदमाश घुसा है, ऐ छोटी पकड़ करके शंकर जी को निकाले, गुलचा मारने लग गए। इतने में शंकर जी पुकार, भैया बचाओ, इतने में जोग माया आ गई, इतने में कृष्ण आ गए।
बोले शंकर जी भोले क्या बात, तुम किए के बन करके आयो, ये क्यों? बोले प्रभु तुम्हारी बंसी ध्वनि कैलाश में भी पहुंचा, मेरे मन में भी इच्छा हुई, मैं भी गोपी रूप धारण करते हुए तेरे रास दर्शन करूं नाचूं। बोले देखो ये गोपी भाव कितने श्रेष्ठ है, देव देव महादेव जोगी जोगी महाजोगी भी जहाँ प्रवेश नहीं कर पाए। बोले शंकर जी ऊपर में तो गोपी रूप धारण कर लिए, लेकिन जब तक ये गोपियों की भाव नहीं होगा ना तब तक रास में प्रवेश नहीं, शंकर भी प्रवेश नहीं कर पाए। शंकर जी अभी भी शंकर जी दिन में शिवलिंग की दर्शन है, अभी हम जाएंगे शंकर जी को दर्शन करने के लिए। शंकर जी देखो, शंकर जी अभी गोपी रूप में भेष में अभी शंकर जी बैठे हुए, इसलिए शंकर जी यहाँ पर दरवान की काम कर रहे हैं। शंकर जी हैं इतने दुर्लभ, भगवान की वृंदावन धाम ये रास लीला इतने दुर्लभ है, इसलिए नियम है अगर कोई ब्रज में आए, कृष्ण ने कहा आप यहाँ दरवान का काम करो, लेकिन जब तक दरवान की आदेश नहीं हो ना अंदर में प्रवेश नहीं कर सकते, इसलिए कृष्ण का वरदान है जो कोई वृंदावन धाम में आएगा, बोले अगर तुम्हारी दर्शन नहीं करेगा ना वृंदावन धाम दर्शन करने का फल उसको नहीं मिलेगा, वो घुस नहीं सकता है वृंदावन धाम में। इसलिए हम शंकर जी को दर्शन करेंगे, प्रार्थना करेंगे आप वैष्णवानंद यथासंभव, आपके हृदय में भी गोपी भाव की इच्छा है आपकी, इसलिए शंकर जी हमें आदेश दो जैसे ये वृंदावन में हमारी प्रवेश हो। इसलिए वृंदावन में प्रवेश करने के लिए एक गोपीश्वर है और एक पौर्णमासी जोग माया और एक वृंदा देवी है, इनके आदेश के बगैर ये ब्रजधाम दर्शन पूर्ण नहीं होता। इसलिए शंकर जी इसी कुंड में स्नान करके शंकर जी गोपी रूप को उन्होंने प्राप्त करके ईशान कुंड में बैठे हुए थे, इसलिए अभी हम चलेंगे शंकर जी को दर्शन करके गोपीश्वर महादेव को, फिर हम रास मंडल में जाएंगे। ठीक है, इधर उधर कोई जाना नहीं, सीधा सीधा चलना। ठीक है, बोले श्री गोपीश्वर महादेव।